गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास थर्ड साइंस। आपको निशल सर ने पहली फर्स्ट चैप्टर करा दिया था, बट कुछ पोर्शन इसका रह गया था, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थिंग्स एज लिविंग इज एल एंड नॉन लिविंग इन NL। ओके, सिल्क, यहाँ पे सिल्क है। अगर सिल्क वॉर्म होता, ठीक है, तो हमारा क्या होता, तो हम लिखते हैं लिविंग, जो सिल्क का कीड़ा होता है, ठीक है। बट सिल्क इज़ अ नॉन लिविंग। वुड, आपके घर में लकड़ी के जो पीसेस होते हैं, कभी वो साइज़ में बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते ना। बट अगर वो प्लांट या ट्री होता तो डेफिनेटली वो ग्रो करता, ठीक है। सो ये भी होगा नॉन लिविंग। हाँ, नेक्स्ट है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो डेफिनेटली फ्लाई करता है, मूव करता है, ब्रीथ करता है, तो इट्स अ लिविंग थिंग। सैंड, रेत, रेत जो होती है वो कभी बढ़ती नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। डॉग इज़ अ लिविंग थिंग्स बिकॉज डॉग मूव करता है, बार्क भी करता है एंड ब्रीथ भी लेता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है रोज पेटल। हमने बोला था जितने भी ट्रीज या प्लांट्स होते हैं वो सब लिविंग थिंग्स में होते हैं, तो इट्स अ एल। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। कैन यू राइट, अभी आपको क्या करना है, इसमें जितने भी आपके लेटर्स लिखे हैं वो जो है क्लियर नहीं है, सब आगे पीछे लिखे हुए हैं। आपको उनको क्लियर करके नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स में डिफरेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट इज़ अ एलिफेंट, ये है ELEPHANT, एलिफेंट। ओके, एलिफेंट हमारा क्या इसमें आता है, एलिफेंट ELEPHANT, ये ई है। इट्स अ लिविंग थिंग्स, तो ये नेचुरल थिंग्स में आता है। नेक्स्ट है ट्री, ट्री इज ऑल्सो इन नेचुरल थिंग्स। ट्रेन, ट्रेन इज इन मैन मेड थिंग, इंसानों ने बनाई ना। सन इज इन नेचुरल थिंग्स। CPU, कंप्यूटर में CPU आप लोग यूज़ करते हो ना, तो इट्स अ मैन मेड थिंग। पेंसिल इज ऑल्सो ए मैन मेड थिंग्स। ओके ओके, नाउ पेज नंबर 10। कैन यू राइट, अब आपको इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। जितने भी आपके हैं इनके फीचर्स आपको बताने। फॉलोइंग ANT, एंड, एंड मीन्स चीटी होता है, तो चीटी ग्रोथ भी करती है, मूवमेंट भी करती है, रिप्रोडक्शन भी करती है, नीड फूड एंड ब्रीथ, एवरीथिंग इज राइट। ओके, नाउ ग्लास, जो आप ग्लास पानी जिससे पीते हो वो हम ग्लास ले लें, या मिरर भी एक जो होता है ना उसको भी ग्लास कहा जाता है। वो ग्रोथ करता है, नहीं करता, जो साइज़ है वही रहता है। मूवमेंट करता है, नहीं, आप जहाँ रख दो वैसे ही रखा रहेगा। रिप्रोड्यूस करता है, बिल्कुल नहीं। फूड, उसको नीड फूड है, फूड की ज़रूरत पड़ती नहीं, हम उसमें जितना भी वाटर डालते हैं और उसको पी लेते हैं, उसको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। ब्रीथ, सांस लेता है, ब्रीदिंग है, नो, तो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, स्क्वायरल, यस, जो स्क्वायरल को हिंदी में क्या कहते हैं, लोम, जो छोटी सी आपको दिखती नहीं है, जिसकी खूब लंबी सी टेल होती है, गिलहरी। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, तो गिलहरी ग्रोथ भी है, मूवमेंट भी है, रिप्रोडक्शन भी है, नीड फूड भी है एंड ब्रीथिंग भी है, सो इट्स अ लिविंग थिंग। नाउ कार, कार इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो क्रॉस एवरीथिंग। ओके ओके, बाकी सारा पोर्शन आपका नेक्स्ट एक पेज देखिए 12 है, जिसमें सेक्शन डी है। ये आपको खुद करना है, बिकॉज नाउ यू आर इन थर्ड स्टैंडर्ड। आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंस करना है। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो, लिविंग थिंग्स कैन ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, नीड फूड, ब्रीथ। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ है, जैसे प्लांट, प्लांट ग्रोथ करता है बट मूवमेंट नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि वो जो है ना, उसके जो रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ दैट, बट वो कैसे होता है, उसके जो फ्रूट्स या फ्लावर्स होते हैं उनमें जो सीड बनता है ना, उनसे होता है, ठीक है। ब्रीथ, डेफिनेटली वो ब्रीथ करते हैं प्लांट्स, आप लोगों ने आई थिंक साइंस में पढ़ा भी है। एंड 12 आवर्स में डिवाइडेड होते हैं, जब दिन होता है तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। बट जब वही नाइट का टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। मॉर्निंग में वो जो रिलीज करते हैं या छोड़ते हैं वो होती है ऑक्सीजन, रात में जो करते हैं वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी कहा जाता है पेड़ों के पास ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, जैसे। सो इस तरह से आप इसको खुद फिल करेंगे, कोई आपको फिल नहीं करके देगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर होमवर्क। ओके ओके, नाउ सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने के पहले द पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, आपको होमवर्क करना है, आपको अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन करना है। फर्स्ट यू मेंशन द डेट, लेसन, HW,
ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द प्लांट एंड डिस्क्राइब इट्स पार्ट। आपको पिक्चर जो है ड्रॉ करनी है एकदम अच्छी सी, और उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है फॉर इन दिस वे। आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट इज अ रूट, स्टेम, लीव, सीड। इसके अंदर सीड्स है ना, वाइट वाइट डॉट्स जो दिख रहे हैं। नेक्स्ट फ्रूट, ब्रांचेज, ये ब्रांचेज आ रही हैं, फ्लावर। ओके, तो इस तरह से आपको इसको डिवाइड करना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे।